गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और ये क्लिप है सुबह सुबह की, वेडनेसडे की, और हमने लड्डू के यहाँ कर दिए थे हेयर कट। और ना इसको इतना मज़ा आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, पर हाँ इसे थोड़ा अजीब लग रहा था। तो भाई इसके बाल भाई सुबह सुबह काट दिए थे लड्डू के बाल, और ये बाल हम अब जाएंगे माता पे तब धोख लगाने, तब लेकर जाएंगे। और सुबह सुबह कर लिया था ब्रेकफास्ट, और लड्डू देखो कितना क्यूट लग रहा है। और साथ में ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर में आपसे लोगों से मिलते हैं। और ये लड्डू को देख लो आप, कैसा लग रहा है ये गंजू बाबा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हे गाइस, टाइम हो चुका है 2 बजे का, और अनी अभी आए नहीं है, और हमारा लंच हो चुका है रेडी। काफ़ी दिनों बाद आज मैंने बनाया है मटर पनीर, और अभी खाना खाया नहीं है। और लड्डू उठ रहा है, खेल रहा है, देखो गंजा करा दिया हमने उसको वॉर्म के बाद। तो गाइज आजकल ब्लॉग हो रहे हैं थोड़े से लेट, अदरवाइज़ मेरा ब्लॉग जो है वो 12 बजे पब्लिक हो जाता है, बट आजकल नहीं हो पा रहा क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और गाइज आप लोगों को बता दो, आपने देख ही लिया होगा, आगे मैंने क्लिप लगाई दी कि लड्डू के हमने करा दिए हैं हेयर कट, और अब हमारा लड्डू कैसे दिख रहा है देखो। तो गाइज हमने इसके बाल कटवा दिए, देखो ऐसे घर पे बाल नहीं काटते हैं, लेकिन हम हमारे यहाँ पे जहाँ धूप लगती है भाई वो हम जाते हैं पाथरी, लेकिन उसका अभी टाइम नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली, आगे बहुत सारी चीज़, तो इस तरह से बच्चों के बाल लेकर हम बाहर नहीं घूम सकते हैं, हमने इसके अभी तक बाल नहीं। तो गाइज लड्डू की कटिंग हम लोगों ने करा ली है, आपने देखा क्लिप मैं लगा दूंगी। अब हमने लड्डू के बाल काट के घर पे ही ट्रिम किए करके और उनको रख लिया, जब भी हम धोख लगाने जाएंगे, हमारे यहाँ पाथरी जाते हैं अनिल के गांव के यहीं पे पानीपत साइड में, वहाँ पे पड़ती है, तो जाएंगे जब भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी शायद अभी ना जाएँ, अगले जब मार्च टाइम पर जाएंगे, जब नेक्स्ट नवरात्रि आएंगे चैत। और ये देखो लड्डू मुझे कैसे देख रहा है, देखो। तो हमें नहीं पता था, अदरवाइज़ हम चले जाते, कहते हैं वही है ना, बड़े बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बड़े सिर्फ नाम के लिए नहीं काम से भी जाने जाते हैं। तो कोई नहीं, हमें नहीं पता था, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाना होगा हम जाएंगे, और अब धूप लगवा के लेंगे। और वो बाल मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा लड्डू ऐसे ये वाला लुक इस काफ़ी लोगों को कैसा लगा बिना हेयर्स के। गंजे गंजे अरे गंजे, हनी बताएंगे मैंने कैसी सब्जी बनाई है। बहुत बढ़िया बना अच्छी। तो मेरी और ये खाना जी भी आ गए हैं, खाना खा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं वापस। गई हूँ रेडी, और मैंने पहना ये ब्यूटीफुल सा सूट, आप लोगों को पूरा भी दिखाऊंगी। और गाइस ये मेरे टिक्का लगा हुआ है, हटा नहीं। गाइस हम कहाँ जा रहे हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप सब नेहा को तो जानते ही हैं, आज है नेहा का बर्थडे। तो गाइस हम नेहा के बर्थडे पे पहुंच गए थे, और ये सब थी उसकी फैमिली यानी ससुराल वाली फैमिली। और आज था नेहा का बर्थडे, कमेंट में सब उसको हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पे हो रहा था केक कटिंग, और ये देखो उसने तलवार से केक कट किया, और केक के अंदर था आई की बढ़िया सा सरप्राइज। सरप्राइज़ क्या था तो वो तो आप लोग अभी देख ही रहे, केक के अंदर था iPhone 14, और नेहा उसको देखकर हो गई थी गुलाबो गुलाबो, खुश खुश, बहुत अच्छा उसको फील हो रहा था। भैया iPhone 14 किसी को भी मिलेगा, खुश तो होंगे। और उसके बाद हमने खाना वाना खाया, वो मैं शूट नहीं कर पाई, और उसके बाद हमने देखी इनकी वीडियो यानी शादी की वीडियो। और यहाँ देखो हम दोनों गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, कल मिलेंगे फिर एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड गुड नाइट।